माता, क्या ब्राह्मण बालक रूप धारण करने के पश्चात श्री गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूँ ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है? उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, प्रभु का शिवलिंग देखा तो। तुम जो भी हो, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। ये बालक दिखने में तो शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। यदि इससे कहूं तो ये मेरा संध्या वंदन पूर्ण होने तक शिवलिंग को हाथ में पकड़े रख सकता है। ए, ब्राह्मण बालक, रुको। अब आपको क्या हुआ? आपने कहा तो आपके मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग से जा रहा हूँ। आपको अभी भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं, मुझे कुछ काम है तुमसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना आपका कोई कार्य। आप तो अकारण ही मुझ पर क्रोधित हो जाते हैं। नहीं हूँगा अकारण क्रोधित। तुम एक ब्राह्मण बालक हो, शिव महादेव के भक्त हो। मैं तुम्हें एक सुंदर अवसर दे सकता हूँ, भगवान महादेव के इस तेजस्वी शिवलिंग को अपने हाथ में धारण करने का अवसर। मैं इसे हाथ में, किंतु ये तो बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। दिखने में तो तुम अच्छे भले बलशाली दिखते हो। मुझे संध्या वंदन करना है। जब तक मैं संध्या वंदन पूर्ण नहीं कर लेता, तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहो। कहो तो मैं तुम्हें कोई पुरस्कार भी दे सकता हूँ। एक भक्त के लिए तो भगवान का स्पर्श ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ, इसे पृथ्वी पर रखना नहीं है। एक बार और पुनः सोच लो, इसे पकड़ सकते हो या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुछ ही समय के लिए, क्योंकि ये भारी प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसे नहीं संभाल सका तो आपको पुकारूंगा। यदि तीन बार पुकारने पर भी आप नहीं आए तो मैं इसे भूमि पर रखकर चला जाऊंगा। तीन बार तो क्या, इसके पुकारने से पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये लो, इसे पूर्ण श्रद्धा से ही पकड़े रहना। हम शीघ्र ही संध्या वंदन कर करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। अर्थात गणेश जी की युक्ति सफल हो रही थी। हनुमान, पुत्र गणेश का उद्देश्य तो रावण की यात्रा को विफल करना था, और वैसे भी गणेश जिस कार्य को करने की ठान ले वो तो पूर्ण होता ही है। बस गणेश प्रभु के शिवलिंग को लिए वहीं खड़े रहे और रावण समुद्र में जाकर संध्या वंदन करने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओहो, ये जल क्यों नहीं आ रहा है हाथ में? जल के स्थान पर ये कंकर। गणेश जी की लीला तो अति न्यारी है।
शिवलिंग भारी लग रहा है मुझे। बालक, तीन बार पुकारने तक तो शिवलिंग पृथ्वी पर नहीं रखेगा। ये क्या हो रहा है? मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। शीघ्र आइए, अन्यथा मुझे इसे भूमि पर रखना होगा। कहीं ये बालक मुझसे छल तो नहीं कर रहा? वश ही इसे देवताओं ने भेजा है। सुनो, जब तक मैं ना आऊं, शिवलिंग को पृथ्वी पर मत रखना। इतना दलदल, पांव फंस रहे हैं। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। तीसरी बार पुकार रहा हूँ, शीघ्र आइए, अन्यथा मैं शिवलिंग को भूमि पर रख दूंगा। मैं आ रहा हूँ ब्राह्मण बालक, शिवलिंग को हाथ में ही रखे रहना, पृथ्वी पर मत रखना। मुझसे ये नहीं संभल रहा है। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। जाओ ब्राह्मण बालक। इस प्रकार रावण सदा के लिए अजय होते होते रह गए और गणेश के इस कृत्य से गोकर्ण क्षेत्र भगवान महादेव का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया और साथ ही गणेश को एक नया नाम भी मिल गया, विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता श्री गणेश। संसार को संकट में डालने वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी। जय श्री गणेश। किंतु फिर ऐसा क्या हो गया माता कि आपको अंश रूप में यहाँ लंका की रक्षा के लिए आना पड़ा? आत्मलिंग को लंका ले जाने में असफल होने से शुभ्ध रावण पुनः कैलाश आ पहुंचा। प्रभु, देखा आपने, देखा आपकी भक्ति का क्या प्रसाद मिला है आपके परम भक्त दशानन लंकेश रावण को। महादेव, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे वरदान देना होगा, जो आपके उस आत्मलिंग के समान ही प्रभावकारी हो। लंकेश, महादेव आपको वरदान दे चुके, किंतु सब कुछ जानते हुए भी आप उस वरदान का मान नहीं रख पाए और अब पुनः आत्मलिंग के समान वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हूँ। उचित है, महादेव के स्थान पर मैं आपको वरदान देती हूं कि मैं अपने अंश चामुंडा देवी के रूप में सदैव आपकी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु स्मरण रहे
जिस दिन आपके पाप आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, मैं लौट आऊंगी। धन्य हुआ महादेवी, धन्य हुआ। और तब से आज तक मैं लंका की रक्षा कर रही हूं। मेरे रहते लंका के भीतर लंकेश रावण की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भी नहीं हनुमान। ये आप क्या कह रही हैं माता? प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा है। आराध्य हैं वो मेरे, मेरा रोम रोम उन्हीं को समर्पित है। कैसी भी बाधा, कोई भी विपत्ति आ जाए, प्रभु का कार्य पूर्ण किए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ माता? हनुमान मेरे रहते नहीं, किंतु मेरे जाने के पश्चात तो तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। और अब मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। देखिए, देखिए स्वामी, स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। मैंने कहा था देवी चामुंडा की क्रोध की अग्नि धधक रही है, यह अशुभ संकेत है स्वामी। मैंने रावण को वचन दिया था कि मैं अपने अंश चामुंडा के रूप में तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी, किंतु जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारे भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए तो मैं लौट जाऊंगी। सत्य है माता, मनुष्य के किए हुए पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं, किंतु जब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसे अपने अभिमान में ये ज्ञात ही नहीं रहता कि कब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। हाँ हनुमान, रावण ने भी पराई स्त्री का अपहरण कर सबसे घृणित पाप किया है, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और रावण के पापों का घड़ा भर चुका है। देख, मैंने आपसे कहा था ना। बस, 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 बस। अरे ये भ्रामक और मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। जिस लंका में हर क्षण नारी का अपमान हो रहा, चाहे वो अपने पति के द्वारा ही अपमानित की जा रही या किसी नारी को बलपूर्वक अपने पति से दूर करके पति वियोग सहने को विवश कर दिया गया, मैं उस लंका की सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ हनुमान? आप सत्य कह रही हैं माता। हनुमान, मैं तो उसी दिन इस लंका का त्याग कर देती जिस दिन रावण ने देवी जगदम्बा की अंश देवी सीता का हरण किया था, किंतु यहाँ मैं इसीलिए रुकी रही कि रावण देवी सीता के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार न कर सके। अब तुम आ गए हो। सफल मनोरथ भवा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माता, आपको शत शत नमन।
होने लगा। अवश्य संकेत है कि माता अब से रुष्ट होकर चली गई है। कोना कोई विपदा लंका में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार लंका में प्रवेश किया तो किसी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ सके। और मदिरा पीनी है। तो ये है राक्षसों की माया नगरी लंका। से देखता हूं। मुझे तो आशा थी कि इतनी रात्रि को सब निद्रा मग्न होंगे, शांति छाई होगी चारों ओर, किंतु यहाँ तो रात्रि में कुछ अधिक ही हलचल है। हाँ, निशाचरों का जो देश है, किंतु इतनी भीड़ में माता सीता से मिलने से पूर्व ही यदि किसी ने मुझे देख लिया तो नहीं नहीं नहीं, हनुमान को युक्ति से कार्य करना होगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहते कोई भी असुर मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जान सकेगा। जय श्री राम। ध्वनि क्या हुआ है यहाँ? अरे ये प्रतिमा का भाग अकस्मात कैसे गिर गया? ये कैसे संभव है? प्राविसी नगर की जय सब गाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूं मैं। किसी भी कार्य में उद्देश्य यदि उचित हो तो ही सफलता मिलती है और ईश्वर भी सहायता करते हैं।